पोप फ्रांसिस द्वारा एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है। एक वुमन मैगजीन की रिपोर्ट पर पोप ने कहा, चर्च में कई ननों का सेक्स स्लेव बनाया गया। उन्होंने ये कहा कि कई चर्चों में ननों को सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया और किसी भी महिला से ऐसा व्यवहार शर्मनाक। हमें यह भी पता चला है कि चर्च में पादरी और बिशप ननों का यौन उत्पीड़न करते रहे हैं। यह समस्या हल करने की कोशिश की जा रही है। ननों के यौन उत्पीड़न की घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं और इस मामले में वेटिकन ने कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है और हम इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि महिलाओं की एक पत्रिका वुमन चर्च वर्ल्ड द्वारा यह रिपोर्ट छापी गई थी कि चर्च में पादरी और बिशप ननों का यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन जिम्मेदार लोगों द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ तक कि ननों के यौन उत्पीड़न के मामलों को दबाकर दोषी लोगों को बचाया जाता है और इस तरह से चर्च के पदाधिकारी भी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और कुछ पीड़िताओं ने तो बच्चों को भी जन्म दिया और अब पीड़िताओं को बच्चों की परवरिश बिना पिता के ही करना पड़ रही है। मैगजीन की इस रिपोर्ट पर मीडिया ने पोप से सवाल किए थे, जिनके जवाब में पोप द्वारा यह उत्तर दिया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।